अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां लवकुश नगर थाना अंतर्गत ग्राम संजय नगर में रहने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार के अपराधी को बचाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेताओं के द्वारा बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय नगर में सब्जी की ठिलिया लगाने वाली महिला ने बताया कि उसकी बच्ची आरोपी के यहाँ पर कपड़े सिलाने गई थी, तभी आरोपी ने हाथ पकड़कर उसके साथ गलत कार्य किया और उसकी वीडियो भी बना ली। जब आरोपी ने बच्ची को छोड़ा तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को एवं अन्य किसी को दी तो घर वालों को मार देंगे। डरी सहमी बच्ची जब घर पहुंची तो इसकी जानकारी अपनी माँ को दी तो माँ ने लवकुश थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित की माँ का कहना है कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौता करने की धमकी दे रहे हैं, समझौता नहीं किया तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि मेडिकल रिपोर्ट भी बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचता है और पीड़िता परिवार को आखिर कब तक न्याय मिलता है। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।